हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एजुकेशनल मैट। एज यू कैन सी, यहाँ पे पूरा ए बी सी डी मेंशन है, राइट। ये इतनी है इसकी साइज। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें देखिए एलिफेंट भी बना हुआ है। देन यहाँ छोटे छोटे से दो तीन टॉयज बना रखे हैं, बटरफ्लाई सी है, छोटी है, बड़ी है। तो ये लर्निंग के पर्पज से भी होती है, और सेकेंडली थोड़ी सी एक लेयर भी है इस पर। अपना आराम से बच्चा थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, बैठ सकता है, खेल सकता है। और इसके ये पीछे भी ऐसी होती है, पीछे दूसरी चीज़ होती है, अगेन लर्निंग के पर्पज से ही होती है वो भी। इसको फोल्ड करता हूँ। तो ये इसके पीछे वाला पार्ट होता है। यहाँ पे ये देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे छोटी सी काउंटिंग है, और ये साइज मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक और तरीके की मैट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दूसरे तरीके की मैट है, ये देख सकते हो। इसमें 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये सेंटीमीटर्स हैं इसमें भी। और बाकी स्क्विरल आप देख सकते हो, बच्चों के आइडेंटिफिकेशन लिए काइंड ऑफ कैट है। यहाँ पे एक बर्ड सा बना रखा है, ये मशरूम सा है यहाँ पर, ये देखिए, ये इस तरीके से है। तो ये इस तरीके से है, मैं आपको इसको रिवर्स करके दिखाता हूँ। तो गाइस, ये इसका जो बैक साइड है वो कुछ इस तरीके का है। अगेन एज आई सेड, ये एजुकेशनल पर्पज से होती है एंड सेफ्टी भी रहती है। बच्चा इस पर आराम से टाइम स्पेंड कर सकता है, बैठ सकता है। अगर जैसे बच्चा छोटा है तो बच्चा आगे इस पर बैठता है और बाई चांस पर गिरता भी है, ओके, जैसे लुढ़क जाता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसी प्रोटेक्शन का काम करता है, लगेगी नहीं। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये एजुकेशन का भी काम करता है उसके लिए। तो ये गाइस, अगर आपको कुछ मैट देखनी है तो आप इस तरीके की मैट देख सकते हो। मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगा वहीं नीचे टेक्स्ट में। तो गाइस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई थिंक अमेज़ॉन पर आपको मिल जानी चाहिए। या इसका गाइस लिंक, इसका परचेज़ करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। थैंक यू।